एगो एगो हमरो को तो बहन तुमने कौन सा सब पुण्य किया है, बार बार तुम्हारे कुमारी जाने पर तुम्हारा पुत्र नहीं पर जीवित जाते हैं। इस पर मंत्री की छोटी पत्नी ने कहा, हे बहन, तुम पहले जमाने में सियारी थी और मन अच्छी थी, हमने जीत पूजा का कथा एक साथ सुना। ये जितवाने के केरा चढ़ेला फल चढ़ेला जितवाने के से चढ़ी पर बिहान भला चाह पान पी आदमी निर्जला रहे तो कुछ लेके खाई मन्नत का रहा बेटा खाती। हाँ बेटा खाती, बेटा का बधाई है। हाँ बेटा के बधाई भूखा तेल जाए बेटा बाद रहता बना रह फूल है उगा रहता तो माता जी बड़ा कठिन होला। हाँ बहुत कसर खींच जा बेटा बाद रहता तब न माई बाबू के कर चले क्या आजकल लेकिन के करे के चाहिए। हाँ लड़को लोग के करे के चाहिए माता पिता को करे के चाहिए। हाँ जैसे माता जी कस उठावा तारी तो बेटो को कस उठावे के चाहिए। समय पे आदमी गिर तुम बेटा को उठावे के चाहिए का जी बेटा को उठावे के चाहिए कि माता जी है उठाई पुरनिया बानी प्लान भइला तो सेवा बेटा के भी करे के चाहिए। बेटा को करे के चाहिए आ जवान पर लड़का पोसता पालता पाड़ा कर देता बिया से दिखा देता पर बहू में लग जाता लोग तो माता पिता के देखे के चाहिए। बहू में लग जाता लोग माने बहू को करो आ मातो जी के करो। देखे बाबू झूठ देखे बोलते गंगा जी के किनारा बोलते नहीं माता पिता बुढ़ापा हो जाए तो माता पिता के कर दे बेटे उन करी बेटा करी पतो करी ऊपर जरी गिरब जा लड़का उठाई हम जाए कहाँ से बनी बेटा का लंबा उम्र कठिन तो होता है। कैसे निर्जला रहती है? हाँ निर्जला रहना पड़ता है। कितने दिन? एक दिन 24 घंटा। हाँ इसमें कुछ खाया नहीं जाता? नहीं खाया भी नहीं जाता है पानी भी नहीं पिया जाता है। कब आप लोग करते हैं इसके बाद खाना पीना कब होता है? कल सुबह नहा धो के 24 घंटा बाद। हाँ 24 घंटा पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हाँ पुत्र की लंबी आयु के लिए। कहाँ से आए हैं? यही पांडेपट्टी। महत्व और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये जीतिया जीतिया पर्व है जो एक रोज पहले माता बहने स्नान करती है गंगा माँ में आकर के और उसके बाद शाम को अपने भोजन करती है जैसे कि पुआ पूड़ी घर में बना करके और मध्य रात्रि में 12 जब रात बजता है तो चिल्हो सियारिन को भी ये लोग एक पत्तल में दे देती है खाने के लिए और उसके बाद ये लोग 24 घंटा अखंड व्रत करती है माता बहने और शाम के समय अष्टमी तिथि के दिने सप्तमी के तो लोग तो नहाए खाए और शाम के उसके बिहान भीला 24 घंटा लेकर अखंड व्रत ये लोग करती है। इसलिए करते हैं अपने पुत्र के लंबे आयु माने उम्र के लिए सुरक्षित रहे अच्छा रहे बढ़िया बुद्धि ज्ञान हो बच्चों का इसलिए ये लोग पर्व करती है
और चिल्हो सियारिन का इसमें कथा है जितिया पर्व में। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये लोग माता बहन जैसे कि बक्सर जिला, आरा जिला, रोहतास, कैमूर, भभुआ, पटना, रामगढ़, मोहनिया, कैमूर, कुछ लोग सीमावर्ती इलाके से भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ से भी लोग माता बहनी आई है गंगा माँ में स्नान करने के लिए और जीत पुत्रिका का कथा सुनने के लिए। ये देर शाम तक ये 24 घंटा स्नान चलेगा रामरेखा घाट पे, इसी तरह भीड़ रहेगा। आज सुबह से ही शाम तक भी गंगा माँ में स्नान करके ये लोग जीत पुत्रिका का व्रत करेगी और कथा सुनेगी। हमारा नाम लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी, रामरेखा घाट, बक्सर। प्रशासन का दावा है कि यहाँ पे मुस्तैद है तो प्रशासन की, देखिए हम लोग पुलिस प्रशासन को चाहे जिला प्रशासन को दो चार रोज पहले ही सूचना कर देते हैं। अभी ये लोग एक भी नहीं है, आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। नरम रेखा घाट पर गोताखोर की व्यवस्था है, आना मजिस्ट्रेट साहब अभी आए हुए डिप्टी करने के लिए, और एक भी न सिपाही दिखाई पड़े न दरोगा जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।